देखिए, जो चार केस मिले हैं वो उसमें से तीन दुबई से आए थे और एक ज्यूरिच से आया था, स्विट्जरलैंड से, लेकिन वो जर्मनी भी होके आया था और फ्रांस भी होके आया था। तो जब वो आया था तो हमने उसको होम आइसोलेशन में रखा था। जो फ्रांस और ज्यूरिच से जो आया था पेशेंट, उसको हमने होम आइसोलेशन में रखा था। हमने हमारी सारी बात मानी, वो होम आइसोलेशन में रहे हैं। और जैसे उनको सिम्टम आए तो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो हम उन्हें लेके आए थे और उनका हमने जांच कराई, तो जांच में पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में हमने उनको, जो भी पॉजिटिव आया, हमने उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उनके इलाज की सारी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित कर ली गई। कहाँ कहाँ के, जबलपुर के भी हैं क्या? और सुन रहे हैं, दूसरा जो पेशेंट है, नहीं, ये जो पेशेंट है ये जबलपुर के ही हैं, वहाँ पढ़ने के। दूसरे पेशेंट जो है वो दुबई से आए थे तीन, वो यहाँ पे रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं बताया कि हम दुबई से आए हैं, लेकिन हमारी लिस्ट में थे तो हमने उनको कॉल किया। और जब हमें लोगों ने बताया तो हमने उनको लिटरली धमका के बुलाया और अपने पास बुलाया, और हमने उनको उनकी जांच कराई, हमने ज़बरदस्ती उनकी जांच कराई। जांच में पाया गया सर, जब जांच में पॉजिटिव आए हैं तीनों, और उनको भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, कमरे को फ्यूमिगेट करा दिया गया है। मेरा आप लोगों से, सभी से यह निवेदन है कि किसी भी प्रकार की कोई भी पैनिक ना फैलाएं, घबराने की कोई बात नहीं है। इनके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए जाएंगे, और जिनको भी अगर कोई ऐसा वो आता है तो हम उनकी जांच यहां से करवाएंगे, कोविड की जांच करवाएंगे और उनका भी इलाज होगा। देखिए, पहली चीज़ जो घबराने की बात यह है कि इस जो बीमारी है, इस ये जो बड़े बूढ़े हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत छोटे बच्चों को जी, या जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिनको कोई बड़ी बीमारी होती है। सामान्य व्यक्ति हुए बीमारी सामान्य वायरल फीवर की तरह होती है और निकल जाती है। इस बीमारी में ज़्यादातर काम जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और आराम करना है, जो कि मेडिकल कॉलेज में समुचित व्यवस्था की गई है।